सुनो, तो एवरीवन हमने निकाला IRMS और ERMS, बराबर IRMS निकाल लिया और ERMS निकाल लिया। अगर आपको याद है एवरीवन, मैंने आपसे उस दिन कहा था ये सब इसीलिए, सब ये चीजें RMS वगैरह इसलिए निकालना पड़ा। वैसे RMS का फुल फॉर्म क्या है? आवाज, हाँ, रूट मीन स्क्वायर करंट और रूट मीन स्क्वायर EMF, ठीक है। क्यों निकालना पड़ा एवरीवन? क्योंकि कहानी ये थी एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे, सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे थे कंपैरिजन, हम कंपेयर कर रहे थे किसको किसको, डीसी एसी को। अब डीसी का क्या भाई, डीसी सीधा चलता रहता है, एसी का क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? कंपेयर करने के लिए कैसे करेंगे भैया? इसका एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, पता नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका मैं बोलता हूँ भैया 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट ही है वो, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया था, जब इसका मैं 10 वोल्ट बोलता हूँ तो वो 10 वोल्ट नहीं, वो 10 से बहुत ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो कैसे पता चलेगा कि हाँ इतना डीसी इक्वल टू इतना एसी? तो ये कंपेरिजन के लिए रूट मीन स्क्वायर को लाना पड़ा था, ओके। इसका मतलब ये है एवरीवन कि जब हम रूट मीन स्क्वायर निकाल लेते हैं, ओके, उसके बाद हम ये चेक करने के लिए, ओके, कि भाई सही में ये काम कर रहा है, हम एक काम करेंगे, एक एसी सिग्नल, क्या अब एसी सिग्नल मतलब एसी करंट भी हो सकता है, एसी ईएमएफ भी हो सकता है। बताया था मैंने उस दिन एवरीवन लास्ट टाइम पे, हर बार हम लोग करंट और ईएमएफ नहीं बोलते रहेंगे, एक साथ क्या बोल देंगे, सिग्नल, मतलब उसमें दोनों आ गए, बार बार क्या बोलते रहेंगे, ठीक है, ओके एवरीवन। तो लिखा देखो, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ साइनोसॉइडल वेरिंग, साइनोसॉइडल वेरिंग याद है ना, ओके, एसी ओवर अ, बोलो ना, कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक होता है भैया? देखो भैया, अगर आपने किसी भी साइकिल को अगर शुरू किया, ओके, लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, ये देखो, ये देखो, कंप्लीट साइकिल किसको बोलेंगे? यहां से यहां तक ये साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं, या यहां से यहां तक साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं। साइकिल कब कंप्लीट होगा? जब यहां से लेके कहानी यहां तक पहुंचेगी, यानी जीरो से लेके शुरू किए, खत्म कहां पे हुआ, उसको बोलते हैं कंप्लीट साइकिल, ठीक है। इसलिए यहां पे लिखा है, देखो, ओके, जीरो, ओके, जीरो टू टू पाई अपॉन ओमेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से एवरीवन हियर, सर आपने बोले थे जीरो टू टू पाई, देखो भाई मेरी एक बात सुनना, याद रखना हमेशा, ओके, ओमेगा का फॉर्मूला होता है टू पाई अपॉन टी, सब याद रखना, क्या बोलो यार, तो टी इक्वल टू क्या होगा, टू पाई अपॉन ओमेगा, है ना। तो जीरो से लेके कहां तक जाएंगे हम लोग भाई, बोलो ना, ये देखो जीरो से लेके कहां तक जाएंगे, टू पाई अपॉन ओमेगा। और हम लोग क्या चेक करेंगे, एक साइकिल में एक एसी सिग्नल कितना पावर जनरेट करता है, यानी कितना हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे एवरीवन, देखो सुनो, ओके, हम लोग यहीं से सारी चीजें उठाएंगे। तो अभी अभी हमने सुना था, ये देखो, ये फॉर्मूला लेंगे, एच इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू पाई अपॉन ओमेगा आई स्क्वायर आर डी टी। एवरीबडी ये फॉर्मूला जरा अच्छे से दिमाग में डाल लो, एच इक्वल टू जीरो टू टू पाई अपॉन ओमेगा। सर जीरो टू टू पाई अपॉन ओमेगा क्यों चाहिए, बोलो ना, यहां से शुरू करके यहां तक। और ये फॉर्मूला है पावर का, पावर का फॉर्मूला ये होता है एवरीवन, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में या सर्किट्स में पावर का फॉर्मूला या हीट जनरेटेड का ये फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर डी टी, नोट कर लो इसको, ठीक है। अच्छा, अब हमको तो मालूम है, लेकिन आई इक्वल टू क्या था, उस दिन बताया था मैंने, आई इक्वल टू क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी, कम ऑन, आई इक्वल टू क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा, याद है ना हमने पढ़ा था, ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई जीरो साइन, कभी जरूरत पड़ेगी अगर थोड़ा सा फेस डिफरेंस होगा तो क्या आ जाता है, प्लस फाइव, प्लस फाइव, ओके। तो याद रखना है एवरीवन, ई आई की जगह पे क्या आएगा, आई जीरो साइन ओमेगा, लेकिन क्योंकि यहां पे बोलो ना क्या है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, बाकी पूरी कहानी सेम है। अच्छा, आर कांस्टेंट है तो उसके इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, ओके, ये स्टेप पढ़ना जोर से, तो शीरा स्टेप पढ़ना है, इक्वल टू ठीक है। अभी सुनो, सुनो ध्यान से एवरीबडी यार,
ओके, इसमें से एक्चुअली ना ये जो बंदा है ना ये भी कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर आना चाहिए। यानी अल्टीमेटली क्या बचना चाहिए, आर बाहर, आई नॉट स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ होना चाहिए किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब आपको है ना एवरेन ये वाला हिस्सा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं सॉल्व करके बताऊंगा लेकिन एग्जाम में उसको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। जब ये पूरा सॉल्व करते हैं ना एवरेन तो हमको आंसर आता है, ओके यहाँ देखो, ये देखो सॉल्व किया, देखो उसने इसको सॉल्व किया। हाँ मैंने कहा था ना जरूरत तो नहीं लेकिन सॉल्व कैसे करने का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है एवरेन। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मेन चीज, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है, सब बोलो ना, बोलो, यही इंपॉर्टेंट अपने लिए याद रखना। जब इसको पूरा सॉल्व करो तो आंसर कितना आता है, टी बाई टू। ओके, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, ओके जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो बाहर कौन था आर और कौन था भैया आई नॉट स्क्वायर, इसको सॉल्व किए तो आंसर कितना है, टी बाई टू। क्या आंसर है भाई, बोलो ना जोर से। हाँ लेकिन हमको एक बात मालूम है, क्या मालूम है, हमने सुना था, ये देखो सब बोलो जोर से, अरे बोलो, नहीं जोर से, नहीं भाई जोर से, इसका मतलब ये टी की जगह पे डाल सकते हैं टू पाई अपॉन ओमेगा, तो आर आएगा, आई नॉट स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आएगा टू पाई अपॉन ओमेगा और यहाँ पे आएगा नीचे टू, सही है। ये स्टेप पढ़ना फलक जोर से, आर हाँ। अभी एक और चीज सुनो भाई, क्या इसको ऐसा लिख सकते आर आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू, यार आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू को ऐसा लिख सकते क्या, आई नॉट अपॉन रूट टू द होल स्क्वायर और बाजू में कौन है भैया टू पाई अपॉन ओमेगा। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा आई नॉट अपॉन रूट टू द होल स्क्वायर, तो आपको याद होना चाहिए हमारे पास IRMS का फॉर्मूला पड़ा है, तो पढ़ो क्या फॉर्मूला है, बोलो। अब मैं हटा नहीं सकता लेकिन दो तीन स्टेप पीछे जाओगे ना आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, IRMS इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। इसका मतलब हम लोग आई नॉट अपॉन रूट टू को हटा के क्या लिख सकते हैं, IRMS, तो सब यहाँ देखो भैया लेफ्ट हैंड साइड में कौन था एच, फिर इक्वल टू की साइन, इक्वल टू की साइन, फिर आर है हमारे पास भी आर है, इसके बदले हम लोग क्या लिखने वाले बोलो IRMS, उसके ऊपर क्या यहाँ पे इधर भी स्क्वायर है, उसके बाजू में क्या है टू पाई अपॉन ओमेगा, इसके बाजू में भी क्या है भैया इतना हीट जनरेट होगा या इतना पावर जनरेट होगा कब, जब एक एसी सिग्नल एक साइकिल को कंप्लीट करे, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं सुनो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब हम ये लेंगे डीसी सिग्नल, क्या लेंगे बोलो ना जोर से, हाँ, और इसी चीज को कैलकुलेट करेंगे कि डीसी सिग्नल एक साइकिल में कितना हीट जनरेट करता है या हीट प्रोड्यूस करता है, तब एक बात सही हो गई कि दोनों का आंसर हमको यही तो करना था, हमको इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे थे, हम क्या चाह रहे थे कि एसी और डीसी को किस तरीके से कंपेयर करें, ओके हम यही देखना चाह रहे थे कितना एसी होगा तो कितना डीसी, कितना एसी कितने डीसी के बराबर है, कितना डीसी कितने एसी के बराबर है, यही तो चेक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ठीक है फाइन। तो फिर एक बार बता दो, सुनो भाई सबसे पहले ये फॉर्मूला अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो एकदम, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद एवरियन हमने आई का फॉर्मूला डाले, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऊपर देखो है आपके पास फॉर्मूला, ये ओके आपको याद रहना चाहिए, देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। घर पे जाके एवरेन लेक्चर्स को बार 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 देखो, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक ही बार बताया कि आपको याद रहना चाहिए, लेक्चर्स में कम प्रिपेयर्ड एवरीवन, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो भाई आई स्क्वायर की जगह पे ये डाल देंगे, क्या डालेंगे बोलो, आई नॉट स्क्वायर, बोलो जोर से, बस ओके। अब एवरेन मैंने कहा आर कॉन्स्टेंट है बाहर, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको सॉल्व नहीं करना है बाजू में दिया हुआ लेकिन सॉल्व करने की जरूरत है, उसका फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट है, फाइनल आंसर क्या है भैया टी बाई टू, लेकिन हमको मालूम है टी इक्वल टू कितना है, बोलो ना
तो टी की जगह पे डालेंगे 2π/ω, ये स्टेप मिलेगा। उसके बाद हमने क्या किया, 2π/ω को साइड में कर दी, नीचे 2 था नीचे। अब हमारे पास क्या मालूम एक फॉर्मूला है, सब बोलो ऐसा उल्टा पड़ो, I0/√2, फिर से तो हमारे पास यहां पे I0² था, नीचे 2 था, 2 को हमने क्या लिख दिया √2, तो उससे क्या हो गया दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इससे क्या हो गया सर, इससे ये फॉर्मूला फिट हो गया, हम यहां लिख सकते IRMS। तो भाई हमने जब चेक किया तो पता चला H=R, हमारे पास भी R, IRMS the whole square, 2π/ω, 2π/ω, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात और इंपॉर्टेंट बात ये है, जब हमने किया दोनों को कंपेयर, किसको सर, AC को कंपेयर किया किसके साथ, तब पता चला एवरीवन कि भैया इसका जितना हीट जनरेट हो रहा है इतना साइकिल पे, इसमें भी उतने ही साइकिल में सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब हमने AC और DC को कंपेयर कर दिया, ठीक है। चलो जो चीज़ें मेन मेन लिख लो एवरीवन, ठीक है। चलो सुनो अभी ध्यान से एवरीवन, ईयर ये वाले क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, देखो जोर से वाला क्वेश्चन पढ़ना। हाँ होल्ड ऑन, तो भैया हमारे पास जो अल्टरनेटिंग EMF है, ओके, दो चीजें तो होती है, एक EMF होता है और एक करंट होता है। तो इस बार अल्टरनेटिंग EMF मतलब AC EMF, अल्टरनेटिंग EMF मतलब AC EMF, ओके। ये दिया हुआ इतना, कितना सब बोलो, बोलो ठीक है, मेरी बात सुनो मेरी बात है। सबसे पहले क्या करने का, ये जो दिया हुआ है ना अपने को, इसको है ना हमारे फॉर्मूले के साथ करेंगे कंपेयर। क्या हमारा फॉर्मूला, बोलो। चलो अभी एवरीवन जरा ध्यान से देखना एकदम, मुझे बताओ E0 के प्लेस पे यहां पे कौन है, तो पता चल गया हमको E0 कितना है, ऐसे 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 निकाला जाता है, कंपेयर कर करके वैल्यू निकालते हैं। वो लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं देंगे अपने को, अपने को ढूंढना पड़ेगा। हाँ अपने को है ना ओमेगा चाहिए, अपने को ना E0 चाहिए, वो सब इसी के अंदर होगा, तो हम वो कंपेयर कर करके निकालेंगे, ठीक है। चलो भाई फिर एक बार देखो भैया उन्होंने क्या दिया था, सब बोलो हमारा फॉर्मूला क्या है, सब बोलो। तो एग्जैक्टली E0 के प्लेस पे कौन है, 300। इसका मतलब हमारा E0 कितना है, 300 वोल्ट, ठीक है। अभी सुनो क्या बोला गया है, हाँ तो आगे क्या पढ़ा, पढ़ो आगे क्या दिया, इज ठीक है भाई। अब आगे लिखा है रेजिस्टेंस दिया है कितने का, तो हमने लिख दिया R=100 ohms। फिर बोला है कैलकुलेट क्या, RMS करंट यानी IRMS, क्या कैलकुलेट करने बोला है, IRMS, ओके। अब सुनो भैया अगर IRMS कैलकुलेट करना है तो IRMS का ये फॉर्मूला हमको मालूम है, सब बोलो फिर से। इसका मतलब अगर IRMS निकालना है तो हमारे पास I0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो I0 का ये फॉर्मूला है, सब बोलो भाई, छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूले याद कर दे, चलो सब बोलो फिर से। हाँ ये वो फॉर्मूला हमने स्कूल लाइफ से पढ़ा है, स्कूल लाइफ में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था V=IR, क्या वी और ई सेम ही होता है, मतलब अंदर घुसेंगे तो अलग होता है लेकिन ओवरऑल सरफेस लेवल पे सेम होता है, ओके। इसीलिए वी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ई का यूनिट क्या होता है, आ गया, ई का यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट, समझे, ओके। अच्छा तो V=IR को हम लोग क्या लिख सकते, सब बोलो। अब आप ही सोचो एवरीवन, अगर R को यहां घुमा दिया जाए तो I=IR क्या होगा, सब बोलो बोलो बस। तो यहां पे नॉट और यहां पे नॉट डाल दो, बन गया आपका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है,
ये उसके पीछे की कहानी है, लिख लो इसको। ठीक है, चलो सुनो अभी ध्यान से। तो क्या फॉर्मूला है, सब बोलो एवरीवन। हाँ, अभी एक मेरी बात सुनो एवरीवन। अभी हमने सुना था कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, आरएमएस करंट का क्या फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको आईआरएमएस निकालना है तो हमारे पास और आई नॉट का ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, सब बोलो एवरीवन। जरा ध्यान से, हमारे पास गिवन में आर है, लेकिन हमारे पास गिवन में ई नॉट नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको और इसको जैसे ही कंपेयर किया तो क्या पता चल गया, ई नॉट तो खत्म, यही तो नहीं था हमारे पास। तो अब ई नॉट की जगह पे क्या डाल दिया, 300। और रही बात आर, वो क्वेश्चन में दिया गया था कितना, अब इससे इजी क्या हो सकता है एवरीवन, आई नॉट कितना मिल गया, 3। और हमको मालूम है क्या फॉर्मूला है, सब बोलो फिर से जोर से, आई नॉट कितना है, 3। तो बोलो आई आर एम एस क्या आएगा, सब बोलो। बस अब इसके आगे का कैलकुलेशन वो हमारा चॉइस है, हम कैसा करना चाहें, हम चाहे तो डायरेक्टली लॉग मार दे, या जैसा इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, सुनो मेरी बात, कैलकुलेशन के तरीके है, जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो करो, अपना अपना चॉइस है। ओके, इन्होंने क्या किया, ऊपर नीचे √2 √2 मल्टीप्लाई किया। क्यों सर, भाई तरीका है इनका अपना, ऊपर नीचे √2 √2 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, देखो 3 × √2 ऊपर है, नीचे √2 × √2 क्या होगा, 2। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी एक और चीज सुनो, 3/2, 3 का आधा कितना होगा, 1.5, और बाजू में क्या आ गया, √2 क्या आ गया, यानी हमको मिला 1.5 × √2। अब √2 की फिक्स वैल्यू होती है कितनी, सब बोलो, जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, वैसे √2 की भी फिक्स वैल्यू कितनी, हाँ अब क्या है, यहाँ पे 1.5 है और बाजू में क्या है 1.414 है। अब इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो या लॉग से करो, आंसर आपका ये आएगा। सर ऐसा ही करना है क्या, नहीं भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ ऐसा जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन अपनी चॉइस है, अपन करना चाहे अपन अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, फाइन एवरीवन। चलो भाई ये लिख लो, लेकिन √2 × √2 किया, नहीं तो भूल जाओगे आप। अलग तरीके से कैलकुलेट किया इसको, ये वाले स्टेप पे आ जाओ सब लोग, क्या लिखा है, सब बोलो, देखो भाई कैसे कैलकुलेशन होगा। एवरीवन हियर, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या, 3/√2। तो हमने देख चुका है ना, 3√2 का वैल्यू कितना है, 1. है ना, अब यहाँ से लॉग अप्लाई कर लेंगे, यहाँ से लॉग अप्लाई करेंगे। आप चाहिए तो इसको और इजी करो, कैसे सर, डेसिमल हटा दो, डेसिमल कैसे हटेगा सर, 1414 × 10⁻³। अब -3 को ऊपर भेज दो तो क्या होगा, 3 × 10⁻³ 3, 1414, यानी ऊपर क्या होगा, 3000, नीचे क्या होगा, 1414। अब यहाँ से लॉग अप्लाई करेंगे, जब यहाँ से लॉग अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा लॉग 3000 माइनस लॉग 1414। फटाफट लॉग बताओ, जल्दी जल्दी लॉग बताओ। हाँ तो इधर आ जाओ, देखो 3000 कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो क्या लिखूं, 3.30 का जीरो क्या था, 4771 माइनस 1414 कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो क्या आएगा, हाँ बोलो 1504। चलो माइनस करो दोनों को, जल्दी से माइनस करो, माइनस करते टाइम लॉग बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.3267, चलो 3267 एंटी लॉग, 3267 एंटी लॉग, ये तो लिख देंगे यहाँ पे भैया 2121। रूल क्या होता है, एक डिजिट के बाद 10⁻² जो भी यहाँ पे नंबर है, नंबर क्या है यहाँ पे, 0, तो 10⁻० क्या होता है, एनी नंबर रेस टू 0, कई बार बता चुका हूँ 1 होता है, तो लिखो मत। ओके, तो आपका आंसर आएगा IRMS है ना, 212.121, चेक कर लो आपके बुक में यही दिया है क्या, 2.121, क्योंकि करंट है इसलिए एम्पियर्स, परफेक्ट आंसर है। चलो रेडी एवरीवन हियर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हियर इस बार क्या लिखा है, हाँ वाला क्वेश्चन,
फाइंड द टाइम, इस बार क्या निकालना है हमको, टाइम स्मॉल टी, याद रखना टाइम स्मॉल टी होता है, और कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड, क्या होता है भाई, टाइम पीरियड, ठीक है। चलो सुनो अभी, हाँ आगे पढ़ना फलक, 50 हर्ट्स, हर्ट्स बाजू में दे दिया, मतलब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है ये, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कई लोग एफ बोलते हैं, कई लोग एन बोलते हैं, ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कुछ भी बोलो। हाँ आगे, ठीक है भाई, मतलब क्या बोला जा रहा है कि भैया जीरो से लेके आरएमएस वैल्यू पे पहुंचने तक कितना टाइम, वो टाइम बताओ, जीरो से कहां तक पहुंचना है आरएमएस, ओके। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, करंट की, इसलिए हमने फॉर्मूला क्या लिया, सब बोलो बोलो जोर से। अब मेरी एक बात बहुत अच्छे से सुनो, सुनो, फ्रीक्वेंसी दिया है हमको, ठीक है, अभी सुनो, हमको पहुंचना है कहां तक, इसका मतलब ये जो आई है ना आई, ये एक्चुअली होना चाहिए क्या, आई आर एम एस, क्यों सर, अरे आई तक नहीं पहुंचना है, आर एम एस तक पहुंचना है, इसीलिए तो आपने एक चीज नोटिस किया, अगले स्टेप में जब इस फॉर्मूले को यूज किए तो आई नहीं लिखे बल्कि आई आर एम एस का फॉर्मूला डाले, याद है ना आई आर एम एस का फॉर्मूला, सब बोलो अगेन, फिर से, इसीलिए आई आर एम एस की जगह पे क्या डाले, अरे आई होता ना क्या होता, तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाते, और हमको कैसे मालूम पड़ा सर ये आई आर एम एस है, अरे भाई ये बात तो हमको आ गया, क्वेश्चन में बोला गया कि कहां तक जाना है, आर एम एस तक जा रहे, ठीक है। चलो भाई अब मेरी बात सुन, तो आई की जगह लिखिए आई आर एम एस, आई आर एम एस का फॉर्मूला सब बोलो क्या है, बाकी आई नॉट की जगह पे आई नॉट, साइन की जगह साइन, इधर क्या है, चलो भाई फॉर्मूला याद कर लो, सब बोलो फिर से, बोलो फिर से, द ओनली रीजन आई एम रिपीटिंग इज सो दैट यू मेमोराइज, क्या फॉर्मूला बिना देखे बोलो, चलो भाई तो हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, एफ एफ कितना है 50, तो लिख दिए 50, सही है, ओके। और बाजू में कौन है भैया, यही टी तो हमको, सही है, ओके। सुनो भाई अभी तक क्या हुआ, तो भाई हमसे कहा गया था यहां तक पहुंचने के लिए, कहां तक कितना, तो भैया हमसे क्या पूछा गया है, हमारा फॉर्मूला है, सब बोलो क्या, लेकिन फिलहाल हमारा आई नहीं है बल्कि आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या है, इसलिए हमने इसके जगह पे क्या लिखा, अच्छा उसके बाद एवरेन यहाँ पे आई नॉट है, यहाँ पे साइन है, ओमेगा, ओमेगा का क्या फॉर्मूला है, एफ कितना दिया हुआ है, डाल दो यहाँ 50, हमको ये मिले, और उसके बाद यहाँ पे टी है, सर टी की जगह पे क्या डाले, अरे टी ही तो हमको, तो उसकी जगह कुछ मत डालो भाई, सुनो इधर सबसे अच्छी बात, आई नॉट कैंसल, बहुत अच्छी चीज हो गई सर ये तो, क्योंकि मालूम आई नॉट कैंसल होते यहाँ पे क्या बच गया, बोलो जोर से, और अब आता है एवरीवन आपके ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान, ट्रिग्नोमेट्री में हमको पता है कि साइन 45 डिग्री यानी साइन पाई बाय 4 होता है, ये पता होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री या साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है, सर साइन ही क्यों लिए, अरे ताकि आसानी से, अगर आप कुछ और लोगे तो फिर कैंसिल करने में है ना, यही है, अब क्या हो गया आपको मालूम पड़ गया साइन साइन क्या हो गया, तो भैया 100 पाई टी को यहां लिख दिए, पाई बाय 4 को वहां लिख दिए, सब पढ़ो भाई क्या मिला, अरे भाई हमारा इंटरेस्ट किस में है, एक और अच्छी बात देखो, पाई पाई भी, अच्छा ये 100 यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके, सब बोलो कितना मिला,
भैया इसी को जब कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे, 1/400 को ऐसा लिख सकते क्या, 1/4 × 10^2 भैया सुनो है ना, तो क्या इसको ऐसा लिखेंगे 1/4 × 10^2 ऊपर जाएगा तो, अच्छा 1/4 हमको मालूम होगा इतना, तो 1/4 0.25 होता है ना, तो भैया आपका आंसर आया 0.25 × बस यहाँ तक लाके छोड़ दो, ऐसा करने की कोई खास जरूरत नहीं, इतना भी ला दिए तो काफी है। फिर एक बार देख लो भैया कैलकुलेशन, 1/4 क्या था, 100 को थोड़ा साइड में ढकेल दिए तो 10^2 है ना, 10^2 को ऊपर लेकर गए तो 1/4, अब इतना तो पता होगा ना, 1/2 0.5 होता है, 1/4 खत्म हो गया, सेकंड लिख दो, बट सेकंड क्यों, अरे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो टाइम तो सेकंड में ही आएगा ना, ये लिख लो छोटी छोटी बात, यार सुनो भाई ध्यान से। तो अच्छा एक चीज याद रखना, जैसा क्वेश्चन पूछा गया था वैसा फाइनल आंसर, कि भैया जीरो से लेके आरएमएस पे पहुंचने के लिए किसको इतना टाइम लगा, तो भैया इतना टाइम लगा, उस आंसर को किस में लिखना, लेकिन आप ये आंसर लिखोगे यहाँ पे और सेकंड लिख दोगे, ये कंपलसरी स्टेप है, भूलना नहीं इसको एग्जाम में, कह रहे नहीं हो। देखो भाई फिर से सुनो कहानी क्या थी, इधर हाँ फलक क्वेश्चन जोर से, ठीक है, तो हमसे ये कहा गया था कि भैया जीरो से लेके कहां तक पहुंचना है, आवाज यार किसको पहुंचना है भैया, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने को इस बंदे को, किस बंदे को, करंट को, कितना टाइम लगेगा, यही पूछा था ना, ठीक है चलो भाई अब मेरी बात सुनो, एक ही चीज हमको दी गई थी, एक ही इंफॉर्मेशन, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, अब एक चीज नोटिस करना, फ्रीक्वेंसी वर्ड उसने दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा वो फ्रीक्वेंसी, करके कुछ चीजें इससे पहचानी जाती है, इससे यूनिट से, इससे हर जगह हर्ट्ज थोड़ी ना होगा भाई, है ना, कॉमन सेंस किससे पहचानी जाती है, यूनिट से, कि भैया लेंथ है या वॉल्यूम है या फ्रीक्वेंसी, उससे पहचानी जाती है, क्या तो हमको मालूम पड़ गया फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमको कहाँ तक पहुँचना है और वो भी कौन किसको पूछना है, इसीलिए ये फॉर्मूला, सब बोलो याद कर लेना, होना ही चाहिए याद, ऑप्शन नहीं है आपके पास, जो देख रहे हो याद करो, जो देख रहे हो याद करो, जो देख रहे हो याद करो, यू आर सिटिंग फॉर सेल्फ स्टडी नाउ ना, यू आर नॉट सिटिंग फॉर लेक्चर्स नाउ, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, लेक्चर्स में नहीं बैठ रहे हो आप, सेल्फ स्टडी बैठ, जो बैठ रहे हो यहीं के यहीं खत्म करो, याद करो, दिमाग में डाल लो, विदाउट एक बार भी रिवीजन किए, विदाउट एक बार भी रिवीजन किए, अगर एग्जाम में लिखना पड़े तो भैया लिखना आना चाहिए, उस एटीट्यूड के साथ देखो, एज इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द लास्ट टाइम। चलो आगे की कहानी, आगे की कहानी ये है कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है, सब बोलो क्या फॉर्मूला, आप मेरे आगे आगे चलते रहो, क्योंकि तुमको मालूम है क्या करना, हमको मालूम है ये आई नहीं है कौन है, लेकिन हमारे पास आ रहे इसका क्या फॉर्मूला है, हाँ जितना हो सके बिना देखे बोलते रहो, आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या, सब बोलो, वो यहाँ पे जाएगा तो हम ये स्टेप पे पहुंचेंगे, देखो ये इधर आ गया, आई नॉट साइन, साइन इधर कौन है, तो ओमेगा हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पूरा बोलो ना ओमेगा, तो लिख दिए यहाँ पे 2π 2π, एफ की जगह एफ की वैल्यू कितनी है 50, और आगे क्या है टाइम, टाइम की वैल्यू क्यों ने सब्स्टिट्यूट की है, करना भी चाहोगे तो करोगे नहीं, क्योंकि वो दिया नहीं है, वही तो हमको आई नॉट कैंसिल। अभी एक चीज और भी याद रखना, कई लोग इसको ऐसा करते हैं, साइन को यहां घुमा देते हैं, और उससे क्या होगा, अरे कुछ नहीं, अगर साइन यहां घूम गया तो यहां आएगा क्या, हाँ लेकिन वो इसीलिए ऐसा नहीं किया यहां पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैक्स लेते नहीं ना, जो नॉन मैक्स बंदा वैसे भी साइन से डरता है, अब साइन इनवर्स लाया तो फिर और कांपने लगता हो, तो इसलिए भाई ऐसा याद रखो कि 1/√2 साइन के टेबल में आता है, ठीक है, लेकिन जिनका मैक्स, जिन्होंने मैक्स लिया है उनको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ओके, कि साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब होता है 5/4, मतलब साइन के टेबल में 1/√2 कब आता है, कब आता भैया, तो ऐसा भी आप सोच सकते हो, ठीक है।
ऐसा नहीं सोचने आता है तो भैया सिंपल, वन अपॉन रूट के साइन में आता है कि हाँ सर आता है, कहाँ आता है, साइन 45, साइन 45 यानी साइन 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 कैंसल, क्या मिलेगा सब बोलो बोलो ना। हाँ अगर आपने ऐसा कैंसिल किया ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये कब लिखते जब आपने क्या किया कंपेयर, मतलब क्या यहाँ साइन के आगे कौन है, यहाँ साइन के आगे कौन है, दोनों इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कौन सी साइन है, इक्वल हो गए। अगर कंपेयर करो तो ऐसा लिखो, कैंसिल करो तो फिर ये लाइन लिखने की जरूरत, डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच जाओगे। सब बोलो बोलो ना। एक और अच्छी बात क्या है सर, पाई पाई भी 100 को वहां घुमा दो, क्या मिला सब बोलो। हाँ फिर हमने देखा 1/4, 100 को 10^2 ऊपर गया तो क्या होगा, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, तो ये और याद से लिखना क्या हमको फाइनल आंसर, फाइनल आंसर में एवरीन वर्ड्स आगे पीछे हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, बस ये बराबर से लिखना, ठीक है। चलो सब इधर सुनो अभी ध्यान से, एवरीबडी हियर, हाँ पढ़ना। सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो कैसे वर्ड्स के साथ खेला गया है। इफ द इफेक्टिव करंट कितना दिया है, 5 एम्पियर, कौन है सर इफेक्टिव करंट, IRMS, पॉइंट टू बी नोटेड, मार्क कर लो भैया इफेक्टिव करंट वर्ड डाल दिया। आपसे पहले ही बोल सकता था सिंपल लैंग्वेज में RMS है, बोले कि नहीं मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूं, मैं कंफ्यूज करूंगा बोले, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका IRMS, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज सुनो, क्या लिखा है भैया, 50 साइकिल, क्या लिखा है, 50 साइकिल AC सर्किट, सब बोलो जोर से। सर ये 50 साइकिल कौन है, अब याद रखना है एवरीवन, फ्रीक्वेंसी अब इस बार है ना, हर्ट्स भी नहीं दिया, पिछली बार कम से कम हर्ट्स दिया था तो हमने समझ लिया था कि हाँ हर्ट्स मतलब, इस बार घुमा दिया, इस बार बोलता है 50 साइकिल तो हमको समझना है 50 साइकिल मतलब, वो बोल रहा है 1 सेकंड में 50 बार, एक सेकंड में 50 बार मतलब क्या होता है, वही 50 हर्ट्स ही होता है, ठीक है। 50 हर्ट्स को ही बोला गया 50 साइकिल, ठीक है। तो ये कौन है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो कभी साइकिल वर्ड दिया गया, कभी हर्ट्स दिया गया है ना, लेकिन बंदा वही है। चलो भाई फिर आगे, व्हाट इज द, सब बोलो क्या लिखा है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, कौन है सर पीक वैल्यू, आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट ना तो आई नॉट है ना, ई नॉट किसको बोलते फिर, पीक वैल्यू ऑफ EMF, ई नॉट कौन, आई नॉट कौन, लेक्चर देखो भाई पुराने, हाँ आगे लिखा है ये पढ़ो फलक, अभी ये चीज सुनो भाई, बोले करंट जब जीरो हुआ, मान लो ये करंट का ग्राफ है, करंट जीरो कब होता है, यहां पे बोले करंट जब जीरो हुआ, और आपको मालूम है ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है, तो करंट जब जीरो हुआ उसके इतने देर के बाद, कितने देर के बाद, तो बोलो उतनी देर के बाद, मान लो उतनी देर के बाद करंट यहां पहुंचा, मान लो उतनी देर के बाद करंट यहां पहुंचा, बोले वो कितना है, 1/600 सेकेंड के बाद जहां भी करंट पहुंचा वो वैल्यू, उसको कहते हैं ये, सब बोलो 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 सर, इसे कुछ नहीं इंस्टेंट, इस करंट कुछ नहीं यार, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिशियन आया, टेस्टर लगाया या एमीटर लगाया, वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है इस टाइम इस पॉइंट पे इतना करंट है, मतलब क्या है इंग्लिश में, इस इंस्टेंट पे इतना करंट है, तो सिंपल लैंग्वेज में इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब इस इंस्टेंट पे इतना करंट है, उसको कहते हैं, बोलो हाँ ठीक है फाइन ओके एवरीबडी है, सुनो मेरी बात, तो अब इंस्टेंटेनियस करंट कौन है सर, अपना आई,
याद रखना दो चीजें पूछी, एक तो सबसे पहले क्या पूछा है क्योंकि कौन है, दूसरा क्या पूछा है वो कौन है हमारा आए। अभी देखो कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात, अभी दो चीजें निकालना, एक निकालना है, अच्छा हाँ एक चीज, एक चीज फ्रीक्वेंसी दिया है वो लिख दिया, इफेक्टिव करंट यानी IRMS दिया वो लिख दिया, इंस्टेंटनेस करंट के लिए टाइम लिख दिया। दो चीज हमको फाइंड आउट करना है, पहला बोलो ना आई नॉट पूरा बोलो, दूसरा अच्छा पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। हमने अभी फॉर्मूला सुना था IRMS इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, क्या बोलो ना यार, क्या उसी से ये बनेगा, तो बोलो 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 IRMS, IRMS कितना है तो यानी रूट टू इंटू, अच्छा रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, और ये है हमारा आई नॉट। आई नॉट कौन है सब बोलो, इतनी इजीली मिल गया सर ये तो, हाँ एग्जैक्टली क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमारे पास फॉर्मूला सब बोलो क्या बोलो बोलो बोलो, हाँ IRMS कितना है, रूट टू की वैल्यू कितनी है बताओ नीचे, अभी तीसरी चौथी बार यूज कर रहे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, जो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करो इसके लिए लॉक की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो कई को लॉक से टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है लॉक कॉम्प्लिकेटेड चीजों के लिए अच्छा लगता है। ये आपको मिल गया आई नॉट, आई नॉट यानी कौन, एक काम हो गया, एक काम हो गया अपना, दूसरा काम क्या है, और इंस्टेंटेनियस करंट है कौन, तो हमारे पास तो फॉर्मूला है सब बोलो, चलो अब मुझे बताओ आई निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आई नॉट वो तो हमने अभी अभी निकाला है, साइन ओमेगा, ओमेगा है क्या अपने पास, नहीं लेकिन एफ है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या था 2πf, याद है उसकी बाजू में कौन है टी, और टी कितना दिया है ये देखो, ओके फॉर्मूला क्या है सब बोलो, रही बात आई नॉट की, आई नॉट अभी अभी निकाला कितना, उसके बाद में साइन, इधर भी साइन, उसके बाद ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला 2πf, f कितना है, उसके बाद टी, टी कितना है, अलग स्टेप पढ़ना जोर से, आई इक्वल टू सर, एंड बिलीव में ये इतना इजी है, ध्यान से देख रहा हूं खाली, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ध्यान 2 × 50 यानी 100 होता है, 100 यानी नीचे के 2 0, देखो ऊपर बचा पाई नीचे बचा 6 यानी साइन पाई बाय 6, अब पाई बाय 6 कितना होता है 30, पाई बाय 6 कितना होता है 30 भैया, पाई बाय 6 पाई कितना होता है 180, 180 अपॉन 6 कितना होता है 30, साइन 30 भैया 1/2 होता है, कम ऑन इतना तो मालूम होगा, साइन 30 हाफ होता है, पर हाफ मतलब कितना बस, और उसके आगे कौन सा नंबर है, अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो लॉग यूज कर लो, आपकी चॉइस है, कैलकुलेशन मत करो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है भैया, वो कर लेंगे उसका टेंशन नहीं है, कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट पकड़ो भैया क्या कर रहे हो, सुनो अच्छे से, सुनो अच्छे से, स्टेप पढ़ना पलक, थिंक 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 थिंक, कौन सी चीज आ रही है, कहां से आ रही है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, वैल्यू कहां से ला रहे, आई नॉट था, आई नॉट की वैल्यू थी साइन, साइन 2π f f 50 t 1/6 15 × 2 बोलेगा भाई 15 × 2 100 और नीचे के 2 0 कैंसिल, नीचे बचा 6 5/6 यानी 30 साइन 30 हाफ, हाफ यानी ये सिंपल, ओके लिख लो।
देखो भैया, इस समय याद रखना क्या लिखा था, इसका मतलब दूसरा यहां पे क्या लिखा था, इसका मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। कई बार एवरीवन क्वेश्चन में ना अपने को आता सब कुछ, अपन यही भूल जाते कि यार इसका मतलब क्या और उसका मतलब क्या। दो ही चीजें पूछी गई थी, पहला इसका फॉर्मूला आई आर एम एस कितना दिया हुआ, 5 डाल दिए, सॉल्व किए, आई नॉट का आंसर आ गया, ठीक है। रूट टू की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद पूछा था भैया क्या इंस्टेंटेनियस करंट कौन, याद रखना है तो सुन के, इंस्टेंटेनियस करंट कौन था सर, अरे भाई आइए, आई का फॉर्मूला आई इक्वल टू आई नॉट, सर ये तो दिया ही नहीं है, अरे भाई आपने अभी भी निकाला, फाइन, ओमेगा 2 पाई एफ, एफ दिया है ना, और क्या दिया है टी, ठीक है। और कैलकुलेशन इतना इजी था भैया कि सब कुछ सेट करके दिया, यार पूछ के उन्होंने ऐसे नंबर दिया कि इजी रहे, 2 × 50 100 कैंसिल होकर क्या मिला, 5/6 sin 30 0.5 मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाए, ये सेट।